गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एनसीएस के बारे में। तो एनसीएस एक्चुअली नेशनल कैरियर सर्विस है। तो नेशनल कैरियर सर्विसेज में आपको जो ऑफर कर रहा है, कुल मिलाकर 39 वैकेंसीज है, वो भी डेटा एंटी ऑपरेटर का है। तो डेटा एंटी ऑपरेटर का पोस्ट है, मतलब डीईओ का पोस्ट है। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल वीडियो को देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन प्रोसीड्योर क्या कैसे आप ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन क्या है, उसके सारे जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब के इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बन रही है, क्योंकि आपको डेली बेसिस दो जॉब के लिंक मिलता रहेंगे, सुबह 7 बजे एक जॉब और दोपहर की 1 बजे और एक जॉब। तो इस दोनों जॉब का लिंक आपको मिल जाएगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और साथ ही साथ आप डेली बेसिस जीके जीआई के इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नॉलेज एंड एक्स्ट्रा जो आपको जीके जीआई का नॉलेज है वो भी आपको मिलता रहेंगे, साथ ही साथ नया नया फैक्ट्स के बारे में जानना भी आपको मिलेगा। तो सारे के सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल करियर सर्विसेज जो है वो यहाँ पे आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, टोटली ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारे जगह पे आपको जॉब मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो नवग्राम है, यहाँ पे देखिए जो मासाग्राम है, और यहाँ पे देखिए रसलपुर जो है, गोरूफ है, मतलब सारे के सारे जो वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर आपको भी जॉब मिलेगा। और यहाँ पे टोटल जो जॉब है वो 39 वैकेंसीज है टोटल, और कुल मिलाकर डेटा एंट्री ऑपरेटर के ही पोस्ट है, मतलब एक ही पोस्ट है और उसके लिए 39 वैकेंसीज दिया गया है। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 29 ईयर्स तक आपको एज लिमिट रहेगा, ओबीसी के लिए 18 से 32 और सीएसटी के लिए 18 से 33 ईयर्स तक आपको एज लिमिट रहेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर रहेगा वो टोटली सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एप्लीकेशन जो फीस है वो टोटली देखा जाए तो एप्लीकेशन जो चार्जेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सैलरी पैकेज जो है वो 14,200 से 21,000 तक आपको सैलरी पैकेज मिलने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो 12th स्टैंडर्ड आपको पास आउट होना चाहिए, और कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, कोई भी बोर्ड से आप 12th स्टैंडर्ड पास आउट कर चुके हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जो सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर रहेगा, मतलब सिलेक्शन जो होंगे आप उसके लिए आपको सिलेक्शन का जो प्रोसीडियर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, रिटन टेस्ट के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। और अब इसका लास्ट डेट रहेगा 29th अप्रैल, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा, बहुत टाइम अभी भी बाकी है, तो फटाफट जाकर अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 10th मार्च से। और किस तरीके से अप्लाई करेंगे तो उसके एक प्रोसीड्यूर भी मैं यहाँ पे आपको दिया हुआ हूँ, तो आप जाकर फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर दिखाने से पहले मैं ये कहूंगा, अभी तक अपने इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए आपको प्रीवियस जॉब का लिंक यूट्यूब के माध्यम से आपको नहीं मिलेगा, आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रीवियस जॉब के भी लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे टोटली जो आप चैनल का लिंक दिख रहा है सब्सक्राइब का, तो सब्सक्राइब की कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लिक किया, क्लिक करना तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वो पेज है इस पेज। तो इस पेज में जाकर आपको नोटिफिकेशन के पूरा डिटेल्स चेकआउट करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा के पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपके सामने। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन में आना होगा, तो यहाँ पे जाकर आपको लॉगिन पेज में यूजर नेम और पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। और आप न्यू यूजर है तो न्यू यूजर में क्लिक करिए, उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब सीकर, आप जॉब सीकर में ही रखेंगे क्योंकि आप एम्प्लॉय तो नहीं है। तो उसके बाद आप कौन सा नंबर से अप्लाई करना चाहते हैं, पैन कार्ड नंबर से, यूएन नंबर से, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं पैन कार्ड नंबर आपको यूएन नंबर से आपको डाल देता हूँ। यूएन नंबर मतलब आपका आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, तो इस तरीके से करके आपको चेकआउट करना होगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।